अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आज बड़ी खबर देने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सदर जो हैं चौधरी परवेज इलाही, उनको अपनी रिहाइशगाह जहूर इलाही रोड से गिरफ़्तार कर लिया है और गिरफ़्तार एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने उनकी रिहाइशगाह से गिरफ़्तार किया गया है। इस दौरान जो डिवीजनल पुलिस की नफरी थी वो भी उनके हमरा मौजूद थी। एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने उनको घर से गिरफ़्तार किया है। इस दौरान जो घर में ख्वातीन या मर्द थे उनकी एंटी करप्शन के अफसरान के साथ मुज़ाहमत भी हुई, दकम पेल भी हुई। तहम जो एंटी करप्शन ज़राए का कहना है कि ये कई मुकदमात में नामज़द थे, जिसकी वजह से परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया है। और 8 रोज़ कबल भी उनके घर में छापे मारे गए, इससे कबल भी छापे मारे गए, लेकिन पुलिस को और एंटी करप्शन को खासी कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लेकिन आज एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और जो मुकदमात में नामज़द परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने के बाद अभी ये मालूम नहीं हो सका कि उनको कहां पर रखा गया है। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूं कि लाहौर में भी 14 मुकदमा दहशतगर्दी के दर्ज हैं, जिसमें कई रहनुमाओं को नामज़द भी किया गया है। इसी तरह परवेज़ इलाही को भी उसमें नामज़द किया गया हो यही सकता है कि अगर रिमांड 2 या 4 दिन का होता है तो उसके बाद किसी और मुकदमे में भी चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया जा सकता है। और आज की ये बड़ी खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही जो पुलिस से या एंटी करप्शन से छुपते फिर रहे थे, आज एंटी करप्शन की टीम को कामयाबी हो गई है और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। जबकि रिहाइशगाह के बाहर भारी नफरी भी पुलिस की पहले से तैनात थी, नाके लगाए हुए थे। 8 जगहों पर जहूर इलाही के इलाही रोड के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाए गए थे। चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाइशगाह के इर्द गिर्द भी पुलिस के नाके थे, जबकि हसास इदारों के जो नौजवान वो भी वहाँ पर तैनात किए गए थे। लेकिन तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकट गिर गई है, क्योंकि जब ये गिरफ़्तारी हुई तो उस दौरान कई ऐसे जो रहनुमा थे जो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए, वो पहुँचते पहले से कारपुन भी पहुँचते, कई दूसरे इलाकों में उन्होंने अपनी जो है वो रहाइश रखी है और पुलिस के डर से कई ऐसे इलाका गैर में भी चले गए हुए हैं। तो हमारी इतलात के मुताबिक आज, क्योंकि पहले तर्जमान जो उनके थे उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर लिया गया है और गिरफ़्तार करने का मकसद भी यही था कि वो मुकदमे में नामज़द थे और एंटी करप्शन का जो मुकदमा था, मुख्तलिफ स्कीमों में जो तजावजात थे या उनमें कोई करप्शन का जो मामला था, उस हवाले से इनको गिरफ़्तार किया कि मन पसंद के ठेके दिए गए और उसमें करप्शन की गई, जिसमें उनके जो साहबजादे हैं मोनिस इलाही भी मुलव्वस थे। इस हवाले से आज क्योंकि परवेज़ इलाही ही गिरफ़्तार हुए हैं, उनके बेटे जो मोनिस इलाही वो गिरफ़्तार नहीं हुए, क्योंकि और भी मुकदमात में उनको भी नामज़द किया गया है। तो आज एंटी करप्शन की टीम ने तहरीक इंसाफ की एक और विकट गिरा दी। आप देखते हैं कि परवेज़ इलाही के जो वकला हैं वो अदालत में क्या कहते हैं, इनका रिमांड कितने दिन का होता है, उसके बाद इनका क्या होता है, इनको कितनी सज़ा हो सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन खबर थी वो आपने नाज़रीन को मैंने बताया कि तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज़ इलाही, जो साबिक वज़ीर आला भी रह चुके हैं, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।